अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम तलहार बकरा मंडी में हैं, जहाँ पर ये भैंसों का जो है वो जगह है, जहाँ पर बहुत सारी कसरत के साथ भैंसें हैं। और ये है जो अभी नई ताज़ी सुई होती है, यानी कि जो ब्याई होती हैं, उनकी यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त होती है। तो देखें, आज आपको हम इसके हवाले से अपडेट करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई व्यापारी मना ना करे तो, वरना मना कर देते हैं लोग कि हम नहीं बता रहे क्या क्या रेट हैं क्या नहीं है, बताते बहुत कम लोग हैं। तो आज मालूम करते हैं, अल्लाह करे कोई आजमाइश ना हो। देखें, रेट मालूम करते हैं इनसे, जहाँ पर देखो कोई सुलझा हुआ आदमी हो, कोई साथ दे अगर। माशाल्लाह, ये है बदीन की भैंसें हैं ये, और बहुत माशाल्लाह अच्छी हैं। ये अभी आज ही ब्याई है मेरे ख्याल से, इसका बच्चा हो रहा, तो ये आज ही ब्याई है। सही, अस्सलाम वालेकुम। सही, केंजीवान पंजीवान, ये कौन सी नस्ल की है? ये नीली है, काली है, काली है, हाँ बदीन, 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 बदीन की है ना। अच्छा सही, इसका दूध कितना और ये कितने मन क्या रेट है इसका? 5 लाख। सही, देने वाला काम, क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले हम ये वीडियो में डालेंगे हम, क्योंकि ये मुझे बंदों ने कहा है, पेशावर के भी हैं, पंजाब के भी हैं। पंजाब का आपको पता, बकरा तो लेने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है मुझे कि आप बदीन की भैंसें जो तलहार में आती है, उनके रेट लेकर आप मुझे बताइएगा। ये मैं वीडियो नेट पे दूंगा, वो देखेंगे, फिर फ़ोन नंबर भी लेंगे आपका, और फिर अल्लाह ने चाहा तो आपका कोई ना कोई रोज़ी का सिस्टम बन सकता है। तो दो लाख से 5 लाख के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका दूध कितना होगा एक टाइम का? इसके प्राइस मांग रहे हो 5 लाख। और ये वाली? ये इसका दूध कितना होगा? 8 से 9 किलो, ठीक है। और साथ वाली? 3 लाख। इसका दूध बड़ा है, 10-12 किलो। अच्छा, फिर इसके 3 लाख क्यों? वो 5 लाख, ये 3 लाख, दूध फर्क है, ठीक है। और ये वाली जो अभी ब्याई है, ये भी, इसका दूध कितना होगा? पहला सुबह, दूसरा सुबह, ठीक है। और ये वाली? ये दोनों है, दो दो की है, ठीक है। इनका 6 किलो दूध होगा, 5 किलो, ठीक। और ये वाली? अच्छा, ये भी 3 की हैं, ये सारी बदीन की नस्ल की? अच्छा, ये सारी अपनी है, पर है बदीन, ठीक है। ये वाली कहाँ की होंगी? ये है कड़ियों कवर की है, ठीक है। अच्छा सर, आपका फ़ोन नंबर हो तो बताइएगा। 0343 18 16 344। आपका नाम? अब्दुल जब्बार भाई, ठीक है। अब्दुल जब्बार भाई, इंशाल्लाह अगर हुआ तो इंशाल्लाह फ़ोन वगैरह आ सकता है, अल्लाह खैर करेगा, लोग देखेंगे पहले, उसके बाद फिर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। चलिए अभी इनसे मालूम करते हैं, या फिर दूसरों से मालूम करते हैं, ये हैं तो सारी बदीन की, बदीन का रेट तकरीबन ये सामने आ गया आपके, ठीक है।
ठीक है साईं, इसका रेट कितना? इसका 260 260 है। ये अभी सुई है कल सुई थी? अभी सुई है। अच्छा, पहला पीस हुआ था, दूसरा? हाँ, पहला पहला। और ये वाली? ये जी, ये वाली 4-5 दिन की सुई है। अच्छा, इसका क्या रेट है? इसके? हाँ, 3 लाख। अच्छा, ये दूध कितना देती है ये? इसका हवाना भरो एक टाइम? दोनों टाइम यानी कि 8 से 9 किलो दूध है। और ये वाली? ये वाली भी इतना देगी। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये इसका 5.5 लाख मूल है। अच्छा, 22 किलो दूध देती है। 22 किलो दूध देती है, 11 किलो। इसका कौन सा सुआ है? पहला सुआ है, दूसरा? दूसरा सुआ है इसको, माशाल्लाह। ये भी बदीन की है? ये बदीन की। ठीक, ये देखें माशाल्लाह, ये भी भैंसे हैं माशाल्लाह, दूध इनके अच्छे हैं, हवाने अच्छे हैं। इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बाकी तमाम का जो हवाना बेहतर है। तो अभी इनसे रेट मालूम करते हैं इनके, वो भाई साहब खड़े हैं, तो देखते हैं कि क्या रेट मांग रहे हैं इसके। सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये भैंस भी बड़ी प्यारी है, जानदार है माशाल्लाह, भैंस अच्छी। ठीक है सर, ये कौन सी नस्ल की है ये बताएं पहले? सारी बदीन नस्ल। ये कितना दूध देती है और कौन सा सुआ है इसका? ए भाई, ये देती है तकरीबन 10 किलो टाइम पे आधा मन। ठीक, दो टाइम आधा मन देगी। कौन सा सुआ है इसका, पहला दूसरा? ये दूसरा पेट है। दूसरा पेट है। अच्छा, क्या मांग रहे हो इसके? इसके मांगे 6 लाख। अच्छा, और ये वाली? इसके 5.5। इसके 5.5 मांग रहे हैं। ठीक, इसका भी दूसरा सुआ है? इसका दूसरा है। ये दूध कितना देती है? ये दूध इतनी देती है। अच्छा, और ये वाली? ये 4.5 लाख। ये 4.5 लाख। इसका दूध? इसका दूध 18 किलो टाइम पे। अच्छा, दो टाइम। इसका सुआ कौन सा? इसका तीसरा पेट है। इसका तीसरा पेट है। अरे, सबको मुझे बताइएगा। हाँ, और ये वाली? ये भी जो टी अच्छी है। हाँ, ये है। इसका ये अभी सुई है, ये आज ही सुई है। अच्छा, तो इसका क्या रेट मांग रहे हो? इसके 3.5। 3.5। इसका दूध कितना होगा? इसका अभी तो खीस में है। अच्छा, जब पहला पेट है? नहीं, है दूसरा पेट है। तो पहले कितना देती थी तकरीबन? पहले देती थी 15 किलो देती थी दो टाइम। अच्छा, 15-16 किलो। और ये वाली? आगे कचरा मैं जा नहीं सकता हूँ, बस तो सही है इधर से। यहीं से पहले बता दो आप। ये भी भैंस अच्छी है, ये जंग सारा बदीन है। अच्छा, हाँ, जंग तो ये सारा बदीन है भाई। यानी बदीन जो है वो आपके पास जो भैंसे हैं बदीन की, वो 3 लाख से लेकर 5 लाख 6 लाख तक की है, 3 से 6 तक की है। और दूध भी माशाल्लाह अच्छा देती है, और तकरीबन दूसरे पेट की है सारी? हाँ, दूसरा तीसरा पेट है। टांकियां फुल, टांकियां फुल लगा फुल हो जाती है। अच्छा, माशाल्लाह, ये बाल्टी बदली करने वाली है। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद, फोन नंबर है? फोन नंबर लखाना देगा हमारा सेठ बड़ा लखाना है। किधर है उसका फोन नंबर दे दो। अच्छा, ये जी हमारा भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अपना फोन नंबर दीजिए। भाई जान, नंबर बुलाओ आज। 0305 36 38 48 77 0 सिंधी में बुधाया जड़ा, हम वो ट्रांसलेट करें। 0306 36 48 770। हाँ, सही बात। बड़ी मेहरबानी तांजी बाबा, तां आसा के फोन नंबर दिनो। भाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बदीन की भैंसे और दूध अच्छा देती हैं, और दूसरा पेट है, इतनी पुरानी भैंसे नहीं है, सब नहीं जुटी है। सही है माशाल्लाह, अभी जवान है, अपनी जवानी के अंदर है। तो आप अगर आपको चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। फोन नंबर आ गया आपके पास। कहाँ से आए आप? ये मातली से। मातली शहर के? ठीक है, ये जब भी तुम्हें चाहिए तो फोन नंबर पर रब्ता करना बस। कुछ भैंसे ये हैं, ये भी माशाल्लाह बदीन की है। साईं, ये कौन सी नस्ल है? बदीन है? बदीन है। ये भी माशाल्लाह बदीन की है, तो इनसे भी पूछते हैं इनके बारे में थोड़ी सी। सर अस्सलाम वालेकुम। साईं, आपके पास कितनी भैंसे हैं ये बदीन वाली? 18 भैंस हैं। अच्छा, कितने से कितने तक की रेंज की हैं? कितने रुपये? अच्छा, यानी कि 2 लाख से लेकर
5 लाख तक की आपके पास भैंसे हैं। अच्छा, उसमें दूध कितने से कितने तक होगा? वो तो भैंस नस्लर होगी, 10 किलो देगी। यानी कि आपके पास 8 किलो से 6 किलो से लेकर 10 किलो तक दूध दे, एक टाइम का दूध देने वाली भैंसे हैं। ठीक है सर, आपका नाम? राणा। राणा नवीन या राणा किशोर? सिर्फ राणा नाम है आपका? ठीक। तो सर आपका फोन नंबर है? भाई के पास। अच्छा, तो आपको याद नहीं है? भाई के पास। अच्छा, असल में फोन नंबर मिल जाता ना आसानी हो जाती। हाँ चले, आप कहाँ से आए? चंबड़ से। चंबड़ से, ठीक। माशाल्लाह, ये बदीन की भैंस है और बदीन की भैंस है सिंध की मशहूर भैंस है। अच्छा, सिंध के अंदर कौन कौन सी नस्ल की ज़्यादा मशहूर है भैंस? पता। अच्छा, यानी कि आप मूड में नहीं लग रहे थे मुझे। नहीं, मूड की बात नहीं। चलें, अल्लाह बरकत दे आपको, आपके रोजी में, आपके हलाल रिस्क में। ठीक है भाईजान, आप देख सकते हैं ये भैंसें हैं जो बदीन की भैंस है। बदीन की ब्रीड जो है वो सिंध की एक मशहूर ब्रीड है, जिन जो दूध अच्छा देती है और माशाल्लाह पेट अच्छा होता है इनका। तो जिसको भी चाहिए हो, जो मैंने अभी नंबर शेयर किए हैं इसके अंदर, उनसे रब्ता कर सकता है वो। और अगर मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए हाज़िर हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।